हाय वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को जो आज हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर आपको अलग अलग तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी और इसकी सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। बेल आइकॉन को अगर प्रेस कर लेंगे तो आपको सबसे पहले हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आ जाएगी ताकि आप उसको तुरंत देख सकेंगे। और आज इस चैनल पर मैं एक ऐसी सब्जी की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ जिसके पत्ते भी हम यूज करते हैं और जो एक रूट के रूप में वो सब्जी पैदा होती है और हमारे देश में ही वो कल्टीवेट हुई है और बहुत अच्छी तरह हमारे देश में उसको बनाया जाता है, पकाया जाता है अलग अलग तरह से। मैंने भी अपने इस चैनल पर उसकी एक दो डिशेस पहले भी बनाकर दिखाई हैं जिसमें कि उसके पत्तों से भी मैंने एक डिश बनाई थी जो एज अ स्नैक भी यूज होती है। आज जो मैं इस सब्जी का रूप आपको बनाकर दिखा रही हूँ उसको भी हम एज अ स्नैक भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ सब्जी का नाम, तो वो है ये सब्जी अरबी। ये मैंने धोकर छील कर रख ली है और अब मैं इसकी आगे रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनाई जाएगी। ये अरबी उबाल कर छील कर मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इंडक्शन प्लेट को ऑन कर रही हूँ। इंडक्शन प्लेट पर मैंने कढ़ाई जो रखी है उसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। वैसे इसमें सरसों का तेल भी बहुत अच्छा रहता है, मस्टर्ड ऑयल। ये 2 चम्मच ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जैसे ही गर्म हुआ तो मैं इसमें ये 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन के सिकते ही मैं अब इसमें अरबी डाल रही हूँ। इन्हें मैंने काटा नहीं है, पूरी अरबी बनाई जाएगी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस तेल में लपेट देती हूँ। मैंने इसमें कढ़ाई नॉन स्टिक ली है, वैसे कोई भी कढ़ाई ली जा सकती है। इसमें जो मैंने अजवाइन डाली है वो अजवाइन इस पर लिपट गई है और अब इसको नीचे चिपकने से बचा रही है। अब मैं इस तेल में इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह चलाती रहूँगी ताकि ये हर तरफ से फ्राई हो जाए। अभी ये थोड़ा थोड़ा सिक गई है और अजवाइन ने अरबी को छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब कि अरबी की जो लेयर है उस पर ऑयल की वजह से कोटिंग हो गई है, वो काफ़ी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब मैं थोड़ी सी हीट कम करूँगी और अब इसमें धीरे धीरे बाकी मसाले ऐड करूँगी। बाकी मसालों में मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। हो सकता है ये ज़्यादा लग रही हो दिखने में, लेकिन आपको याद रखना होगा कि अरबी साबुत है तो इसको मसाले काफ़ी चाहिए। अब इसमें ये मिर्च पूरे में लिपट गई, इसका कलर वाइट से लाल हो गया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी बहुत थोड़ी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एकदम पीली पीली ना हो, थोड़ा सा इसका कलर रेडिश में भी रहे इसलिए। अब मैं इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ या कुटा हुआ डाल रही हूँ। अब हीट थोड़ी कम कर देते हैं ताकि ये मसाले अच्छी तरह से भुनते रहें, सिकते रहें और उसके साथ साथ अरबी पर भी और अच्छी कोटिंग आ जाए। जितना ऑयल इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा था वो सब मसालों के साथ मर्ज हो गया। एक मसाला जो बहुत ज़रूरी है लेकिन मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, अपने स्वाद के हिसाब से सब लोग उसको डाल सकते हैं, वो है नमक। नमक इसमें लास्ट में डालना है, पहले बाकी मसालों की कोटिंग होने देनी है अरबी के ऊपर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर। कच्चे आम को सुखाकर पीस कर ये बनाया जा सकता है और वैसे बाज़ार में भी मिल जाता है। तो ये था इस सब्जी में खट्टापन देने वाला मसाला। धीरे धीरे मसाले ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला लौंग, इलायची, सौंफ, तेजपत्ता, सूखा धनिया, जीरा एक्सेट्रा मसालों को पीस कर बनाया जाता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल भी लेते हैं कभी कभी। तो बस ये हमारी अरबी बनकर तैयार हो गई है, बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्जी। मैंने कर दी इस
अदबी की प्लेटिंग, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसके साथ सैलेड में अनियन रखा जा सकता है, साथ में थोड़ी हरी मिर्च रखी जा सकती है। ये अरबी की सूखी सब्जी मैंने तैयार कर दी है, जिसको एज अ स्नैक भी खाया जा सकता है, चाहे तो इसको और हल्की आंच पर हम सेकते रहें तो ये और क्रिस्पी से भी ज़्यादा क्रिस्पी होती चली जाएगी। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट कीजिए, लिखकर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रेसिपी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं भी उनको ट्राई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कीजिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।